नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सचमुच ऐसे जज्बे के साथ अपनी जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए कि तृप्ति ना हो, बल्कि और आगे और आगे और आगे हम बढ़ते चले जाएं, चाहे वो स्थूल बातें हों या सूक्ष्म बातें। जीवन में ज्ञान की पिपासा हमारी बनी रहनी चाहिए, और जब हम ऐसी एक सुंदर पिपासा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सचमुच हम शिखर की ओर बढ़ते हैं, औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। ऐसा ही है कुछ आज का सुवाक्य, आइए सुनते हैं। जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। जीवन में हम ये न सोच ले कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये सोचे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी मुझे जीवन में और भी आगे बढ़ना है। इम्तिहान, मुश्किलें हमारे इरादों को न बदल दें, लेकिन हम अपने मन के अंदर ये इरादा बना लें कि कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी प्रकार की मुसीबत में अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। हमारे जीवन के अंदर अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार की परीक्षा, किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति जो हमारे लिए इम्तिहान का रूप हो, उसमें हौसलों को बुलंद रखना ही जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करने का मंत्र है। तो मित्रों, जीवन में आगे से आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब एक महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन का अंग है उस पर हम ध्यान दें, और वो है हमारा स्वास्थ्य। आप सबको अनुभव होगा कि जब तन दुरुस्त नहीं होता तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, यदि हमारी इच्छा भी होती है तो भी हम नहीं कर पाते। और यही कारण है कि प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, तकलीफें हैं, उनकी जानकारी लेकर हम आपके पास आते हैं, और इनका लक्ष्य यही होता है कि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें। क्योंकि कई बार हमें जानकारी नहीं होती कुछ बीमारियों की, और हम अनजाने में ही उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब हमारे लिए कौन सी बीमारी, उसकी जानकारी और उपचार के सुंदर तरीके लेकर आए हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सब रंग के इस कार्यक्रम में रोज आपसे मिलते हैं और रोज आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके ऊपर, हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, फिर भी आपको इसको जानना आवश्यक है। ये जो हार्ट के ऊपर की झिल्ली पेरिकार्डियम जिसे कहते हैं, इसमें कई बार सूजन आ जाती है, स्पेशली टीबी की बीमारी में ऐसा हो जाता है। और अगर आपको रिमेटिक फीवर हुआ तो रिमेटिक पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। इसमें यहाँ पर आपको दर्द, छाती में दर्द हो सकता है, और अगर छाती में अगर उसमें पानी भर जाता तो भी आपका हार्ट, जैसे ना हार्ट की पंपिंग में फ़र्क पड़ता है। और कई बार तो बहुत अगर प्रेशर बढ़ जाता है, उस पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उससे कार्डिक टेम्पो, कार्डिक कंडीशन जैसे हार्ट को काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक ट्यूबर, क्योंकि भारत में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, और ट्यूबरक्लोसिस से अगर हमारी अगर इसमें झिल्ली को अगर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो जाती है तो फिर हमारा हार्ट से को हमारा हार्ट हमारा उसे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, अर्थात हार्ट की जो झिल्ली सिकुड़ जाती है, तो हार्ट अपना नॉर्मल पंप करने का कार्य नहीं कर सकता है, फिर हमें उस झिल्ली को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, अगर कभी भी आपको
सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है यंग एज में ना, स्पेशली क्योंकि वो अगर आपको 40 या 42 में 45 में तो ऐसे अगर होता है तो यूजली एंजाइना का पता लगता है। कई बार आजकल तो खैर उम्र नहीं रही है, 20 साल में भी हार्ट अटैक आ सकता है और आपको एंजाइना हो सकता है। तो कई बार हम इससे जब हम किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसमें हम इसको डायग्नोज करने में इकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट होता है, टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी या ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, उसके द्वारा इस बीमारी को इजीली पता लगाया जा सकता है। ईसीजी भी इसमें कभी कभी हेल्प कर सकता है। और दोस्तों ये बीमारी को भी सदा ध्यान रखें कि हमारे शरीर का एक एक अंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे एक स्वस्थ और खुशनुमा जीवन जीने के लिए उनकी हेल्थ को ठीक रखना बहुत बहुत आवश्यक है। ओम शांति। तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों तन भी स्वस्थ हो लेकिन मन अशांत हो तो भी बात नहीं बनती। एक बार एक व्यक्ति बहुत जो कारोबार में व्यस्त रहता था, बड़ा धनाढ्य भी था, सोचा यार मन तो बड़ा अशांत है, क्या करो इन सबको छोड़ छाड़ के मैं चलता हूँ कहीं दूर एकांत में, जंगल में या हिल स्टेशन। वहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ उसे लगा कि अरे यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ भी मन शांत नहीं हो रहा है। फ़ोन किया और घर वापस आ गया। वास्तव में अपने कारोबार, अपनी जिम्मेवारियां, इन सबको छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी मित्रों। शांति तो मिलती है अध्यात्म के माध्यम से। और ऐसा ही सुंदर अनुभव करते हैं ब्रह्म कुमारीज के परिसर में आकर विशिष्ट जन भी और सामान्य जन भी, जिन्हें हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में लेते हैं और उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री कलराज मिश्र जी, जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। व्यक्ति अगर आध्यात्म और भौतिकता जी दोनों को समन्वित करते हुए, उसका संतुलन बनाते हुए, सही माने में यहां के आधार स्तंभ को समझते हुए, अर्थात भारतीय संस्कृति को समझते हुए करेगा तो सरकार की छवि उसके अनुरूप होगी जी। और सरकार की छवि अनुरूप होगी तो जो आपका ब्रह्मा कुमारीज का तो काम हो रहा है स्वाभाविक रूप से जी आसान होता जाएगा और लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में चलता जाएगा। यह एहसास इस समय जरूर करना चाहिए। रामराज्य कहना आसान होता होगा लेकिन रामराज्य था मर्यादा का राज्य। रामराज अर्थात राजा त्याग युक्त भोग करने वाला राजा जी। जितना राज्य के लिए आवश्यक उतना ही बाकी का, समाज का, देश का। रामराज का सीधा सीधा अर्थ है उन्होंने त्याग ही त्याग किया जी। और आसुरी शक्ति का विनाश किया और त्याग तो ऐसा किया कि सबसे अधिक प्यारी सीता को भी जनता के लिए त्याग करने में संकोच नहीं जी, जी। तो रामराज की कल्पना को साकार करने के लिए आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जी स्वयं उस दिशा में आगे बढ़े हैं। मैं कह सकता हूं यहां की प्रेरणा के आधार पर ही इस चीज को अपने जीवन में आचरण करके चल रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। अध्यात्म के लिए कहते हैं कि ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलता है। वहीं ये बात भी है कि ये हमें अशांति से शांति की ओर ले चलता है, दुख से सुख की ओर लिए चलता है, जिसकी हम सब कामना करते हैं। और यही प्रयास रहता है ब्रह्म कुमारीज का कि कैसे अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करके सभी दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर चलें। और उनके इन्हीं सेवा कार्यों को हम देखते हैं पीस दिवस हाइलाइट्स में। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी के वाराणसी आगमन के अवसर पर वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क स्थित सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी बी के सरोज बहन ने बी के चंदा बहन के साथ उनसे भेंट मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति महोदय ने वाराणसी स्थित केंद्रों और वाराणसी में संस्था के द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा माउंट आबू का निमंत्रण देने पर उन्होंने संस्था के मुख्यालय में प्रवास के दौरान की अपनी अनुभूतियों को बहनों के साथ साझा करते हुए परम आदरणीय दादियों और वरिष्ठ भ्राताजनों के सुस्वास्थ्य की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि संस्था के मुख्यालय में हमें जो अनुभूति हुई उसकी महिमा वर्णनीय है। वहां आकर जीवन के वास्तविक सुख और शांति के साथ मानव के साथ आत्मीय संबंधों का पूर्ण और सुखद एहसास होता है। मित्रों, आज एक बात पर विचार चल रहा था, चिंतन चल रहा था कि यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति की विशेषता या कमजोरी के बारे में पूछा जाए तो हम धड़ाधड़ गिनाना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कमजोरियां हो या विशेषताएं हो। वहीं जब हमें हमसे कहा जाए कि आप अपनी विशेषता या कमजोरियों के बारे में बताएं, तो हम एक आधा बताने के बाद रुक से जाते हैं। हमें लगता है कि कहा मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है, आदि आदि इत्यादि। विचार करने योग्य बात है कि हमें दूसरों में तो बहुत सारी ये चीज़ें दिखती हैं, खुद में क्यों नहीं? शायद हम खुद के साथ कम वक्त बिताते हैं, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। तटस्थ होकर देखें मित्रों, आज सुबह सुबह ये होमवर्क मैं आपके साथ साथ खुद को भी दे रहा हूँ कि सारे दिन हम दूसरों को ही देखते हैं, दूसरों का ही चिंतन करते हैं, क्यों ना आज खुद को देखें, खुद के बारे में चिंतन करें। इससे निश्चित रूप से हमारी विशेषताएं बढ़ती चली जाएंगी, हम उन्हें कार्य में लगा पाएंगे और जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की भी जो शक्ति है हमें प्राप्त होती चलेगी। तो क्यों ना आज खुद के साथ वक्त बिताएं, अपनी विशेषताओं को बढ़ाते चलें और कमियों को दूर करते चलें। ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, इस वायदे के साथ कि कल पुनः इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।